आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक है नागरिकता। चैप्टर है 6 से ही। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नागरिकता आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। टॉपिक इतना आसान नहीं है, काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है। बहुत चीज़ें इसमें हमें समझनी है, याद कुछ नहीं करना, बस समझने वाला है। समझ जाओगे तो सब कुछ आसान है। देखो, तुम्हारे सामने दो वर्ड लिखे हुए, एक राष्ट्रीयता, दूसरा नागरिकता। अक्सर क्या होता है, हम राष्ट्रीयता और नागरिकता को एक समझ बैठते हैं, एक ही समझते हैं। ज़्यादातर होता है सबके साथ कि वो सोचते हैं ये तो एक ही चीज़ है, पर क्या ये एक ही है, सेम है? तो अगर हम इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सेम तो हम इन्हें कह नहीं सकते, पर हाँ कुछ ना कुछ इसका अर्थ थोड़ा 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 मिलता ज़रूर होगा, लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक और देखते हैं कि फिर क्या होता है इसका मतलब। परिभाषा देता हूँ मैं आपको राष्ट्रीयता की और परिभाषा बताता हूँ आपको नागरिकता की। थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी बंद कर दो बिल्कुल, अगर राइटर की पढ़ रहे हो तो वो भी बंद कर दो। दोनों बुक बिल्कुल बंद करके धर दो और एकदम से ध्यान से देखो ये टॉपिक है क्या, क्योंकि यहाँ समझ जाओगे तो आपको आगे हमेशा के लिए आसान हो जाएगा, आगे काम आएगा। देखो, कोई व्यक्ति, अभी मैं राष्ट्रीयता का परिभाषा दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेता है, ठीक है, जहाँ पर उसकी जन्मभूमि है, तो उससे पता चलता है कि उसकी राष्ट्रीयता क्या है। मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं भारतीय है, ठीक है, मेरी राष्ट्रीयता जो है वो भारतीय है, यानी मैं भारतीय मूल का हूँ। किसी का जन्म अफ्रीका में है तो वो अफ्रीकी मूल का हो गया, किसी का जन्म अमेरिका में है तो हमें अमेरिकी मूल का होगा। जो जहाँ पे जिसका जन्म होता है, जन्मभूमि होती है, मेनली हम उसे क्या कहते हैं, उसकी राष्ट्रीयता कहते हैं। ये पता चल जाता है इससे कि वह किस मूल का है। लेकिन अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो वो जो नागरिकता हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, इसे देखते हैं। किसी व्यक्ति को सिटीजनशिप कहा जाता है, इसको नागरिकता को इंग्लिश में, किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता उस देश की सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है, यानी कि जब किसी देश की सरकार किसी अपने देश के नागरिकों को अधिकार दे, या किसी दूसरे देश के नागरिक को भी अधिकार नागरिकता दे सकती है, ठीक है, ऐसा होता है, तो ये तो हम उसे क्या कहा जाता है, उसे नागरिकता कहा जाता है। तो समझ के ना, राष्ट्रीयता तो है वो तो हमें जन्म से ही मिल जाएगी कि जहाँ पे हमारा जन्म है वही हमारा राष्ट्रीयता हो गई, लेकिन नागरिकता हमें ऐसे नहीं मिलती। मान लो मैं भारत में रहता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भारत मुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मान लो मैं अमेरिका में रहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस समझना है हमें, और ये डिफरेंस आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखो फिर से इसी बात को, किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता हमें उसकी जन्मभूमि का पता चलता है। किसी व्यक्ति दूसरी तरफ देखें तो किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता उसे उस देश की सरकार के द्वारा दी जाती है। अब है एक अदनान सामी, आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, अदनान सामी, ठीक है। अदनान सामी एक सिंगर है जिन्होंने वाला गाना गाया था, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, और इनका बहुत पहले एल्बम आया था एक, तेरा चेहरा, काफ़ी अच्छे सॉन्ग गाए हैं इन्होंने। और आप जानते होंगे कि इनका वेट भी, वज़न भी बहुत ज़्यादा था, इन्होंने वज़न भी कम किया है। ये जो सिंगर हैं ये पाकिस्तानी हैं, ये जो नागरिक हैं वो पाकिस्तानी हैं, इनकी राष्ट्रीयता जो है वो पाकिस्तानी, लेकिन इनको भारत की नागरिकता भी मिली हुई है, ठीक है, भारत ने इनको नागरिकता दिया, इनके व्यवहार और इनकी इनकी कुशलता को देखते हुए हमने इनको, हमारे देश ने नागरिकता दे दी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि नागरिकता किसने दी, हमारी सरकार ने दी। जब नागरिकता मिल जाएगी किसी को तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको कुछ अधिकार मिल जाएंगे, जैसे कि वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, एक ही बात है, वोट देने मतदान करने का, ठीक है, नौकरी करने का अधिकार, बल्कि चुनाव लड़ने का अधिकार, कई सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो अब आते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा और दोबारा से समझते हैं कि मान लो हमारा जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमारी उम्र है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, हम पढ़ते हैं स्कूल में 11 12 13 14, हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन एक उम्र हमारी ऐसी आ जाती है जिस वक्त हो जाते हैं हम 18 साल के, और जैसे ही हम 18 साल के होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए, यानी मतदाता पहचान पत्र के लिए, फिर हम अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लेते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ शर्तें होती हैं मतदाता पहचान पत्र बनवाने की, वो शर्तें पूरी करते हैं। शर्तें क्या होती हैं कि भाई हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ता है, हमें अपने माता पिता का प्रूफ देना पड़ता है, उनके प्रूफ लगाने पड़ते हैं, हमें राशन कार्ड वगैरह देना पड़ता है, हमें अपना एड्रेस का प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है, राष्ट्रीयता वगैरह भरनी पड़ती है हमें,
ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हम ये सारी शर्तें पूरी करते थे, कुछ ये लिखा ना जब कानूनी औपचारिकता, यानी हम कुछ कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमारा वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है। यानी कि हमने कुछ कानूनी औपचारिकता पूरे करने के बाद हमें मिल गया अब हमारा वोटर आईडी कार्ड। अब हम क्या हो जाएंगे, हमें नागरिक तो हम हो चुके हैं, लेकिन अब हमें कुछ अधिकार ज़्यादा मिल जाएंगे पहले से। पहले हमें कौन सा अधिकार नहीं था, वोटर आईडी कार्ड बनने से पहले, पहले हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब हमें मतदान करने का अधिकार हो गया, नौकरी वो सरकार में अपनी भागीदारी करने का अधिकार हो गया। तो समझ गए ना कि जो राष्ट्रीयता होती है वो तो हमें जन्म से ही मिल सकती है, लेकिन नागरिकता सरकार के द्वारा दी जाती है। तो यही समझाना चाह रहा था मैं। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसे, और समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ देखो यहाँ से, कि राष्ट्रीयता व्यक्ति को देश में जन्म लेने के साथ ही मिल जाती है। भारत में जन्म हुआ, हो गई राष्ट्रीयता भारतीय, ठीक है, यानी कि मूल क्या है, भारतीय। लेकिन इधर आते हैं हम दूसरी तरफ नागरिकता वाले में, यहाँ देखो, लेकिन नागरिकता किसी व्यक्ति को कुछ औपचारिकता पूरी करने के बाद मिलती है। ऐसे नहीं कि जन्म लिया और नागरिक भी बन गए, ठीक है, हम भारत में रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसका मतलब कि हमें भारत की नागरिकता मिल गई है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें समझना धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा हमें कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद हमें मिलती है ना नागरिकता। अब एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको एक उदाहरण और समझाता हूँ इसके बारे में। सुनीता विलियम्स, नाम सुना होगा आपने, सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट। राष्ट्रीयता क्या है इनकी, नाम देखो, सुनीता विलियम्स, सुनीता के साथ विलियम्स लगता है, सुनीता कुमारी, सुनीता देवी, सुनीता ये वो कुछ भी हो सकता है। विलियम्स एक अंग्रेजी नाम है, ठीक है, अंग्रेजों का नाम है। सुनीता एक भारतीय नाम है। इससे हमें पता क्या पता लग रहा है, इसका मतलब ये था कि भाई जो सुनीता थी, इसके जो फादर वगैरह या रहे होंगे, जो भी मदर फादर, उनमें से कोई एक ब्रिटिश मूल का था, ठीक है, अंग्रेज वगैरह था, अमेरिका का था, जहाँ का भी था अमेरिका का था। तो इसीलिए क्या हुआ, इनके जो फादर का जो सरनेम वगैरह होता है वो हमारे सरनेम से जुड़ता है, सुनीता विलियम्स हो गया। ये राष्ट्रीयता जो इनकी है, ये तो इनकी भारतीय है, लेकिन इनकी जो नागरिकता मिली हुई है वो अमेरिका की मिली हुई है, ठीक है। ऐसे होता है बिल्कुल, कि कई ऐसे हैं जिनको दूसरे देश की नागरिकता मिलती है। इसके बाद देखो, राष्ट्रीयता को जन्म विरासत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीयता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जन्म के द्वारा, कि हमारा जन्म कहीं हुआ, हमें राष्ट्रीयता मिल गई, विरासत में मिल जाती है। भाई हमारे पिता की राष्ट्रीयता भारतीय है, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय होगी, हमारे बाद हमारे बच्चे की राष्ट्रीयता भारतीय हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं हम दूसरी तरफ नागरिकता में, इसमें क्या होता है, नागरिकता को जन्म के साथ तो मिली जाती है, मिलेगी, विरासत में मिलेगी, लेकिन एक और चीज़ है, विवाह शादी के द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है। आपने मूवी वगैरह देखी होगी, कई फिल्मों में ऐसा होता है कि लोग शादी कर लेते हैं किसी फॉरेनर से वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अब मान लो किसी कोई किसी ब्रिटिश मूल मूल की, जैसे कि देखो सोनिया गांधी जो थी, उनकी शादी हुई थी राजीव गांधी से। सोनिया गांधी थी इटली की, यानी उनकी जो राष्ट्रीयता रही होगी वो इटली रही होगी, उनकी जो नागरिकता उनको मिली हुई थी वो भी तो इटली ही मिली हुई थी, लेकिन उनकी शादी हुई राजीव गांधी से। राजीव गांधी जो थे वो भारतीय नागरिकता के थे। उसके बाद वो उन्होंने विदेशी से शादी करी, घर पे रखा, फिर उसके बाद भी कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नागरिकता मिलती है। तो 10 साल, कुछ साल, पता नहीं कितने साल होते हैं, कुछ मेरे को ध्यान नहीं है, आगे मैं पढ़ूंगा कभी, डिटेल में बताया करूंगा आपको। तो जो जो भी समय सीमा हमारे संविधान के तहत रही हो, इतने साल तक लगातार रहना है, ये नहीं कि सिर्फ शादी करने से मिल जाएगी, उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो सब पूरी करने के बाद अब क्या हो गई, अब वो भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, भारत के नागरिक हैं। तो समझ गए ना कि राष्ट्रीयता तो भाई जन्म विरासत द्वारा मिल जाती है, लेकिन नागरिकता कुछ कानूनी शर्तों को पूरा करने के बाद मिलता है। विवाह भी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा नागरिकता मिल जाती है। अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं राष्ट्रीयता और नागरिकता। आप ये भी सोचोगे कि ये टॉपिक जो है, ये नागरिकता नागरिकता है, राष्ट्रीयता आपके में इस जगह पे नहीं है, अगला चैप्टर हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये हमें पढ़ना नहीं है और सिलेबस पास करना नहीं है, सिर्फ इतना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए।
बल्कि हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि हमें कुछ समझ में भी आए और हमको उस विषय के बारे में जाने भी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी मीडिया में जो चला हुआ था 1-2 साल पहले, बिहार का, बिहार के एक टॉपर थे कुछ, तो उसमें से एक लड़की का इंटरव्यू दिखा रहे थे। उस लड़की के पास ये पूछा गया, भाई तुम्हारे पास सब्जेक्ट कौन से है, तो उसने बताया अपने सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बोल दी थी, उसे बोलना भी नहीं आया पॉलिटिकल साइंस का है। उससे जब उसने न्यूज़ एंकर ने पूछा, भाई पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वो कह रही है खाना बनाना सिखाया जाता है। तो इससे पता लगता है भाई कि नॉलेज क्या होती है, यानी इतना भी कोई नील नहीं होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में कि उसे पता ना हो। ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, बल्कि इसलिए भी पढ़ो कि तुम्हें कुछ नॉलेज तो हो, कम से कम किसी दूसरे को इसके बारे में जानकारी भी दे पाओ, कोई पूछ ले तो ऐसा ना हो कि शर्मिंदा होना पड़े। थोड़ी बहुत नॉलेज कम से कम तो होनी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं रख पा रहे तो थोड़ी नॉलेज तो होने हो, या वो भी ना हो तो फिर तो बिल्कुल निल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रीयता को बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल अच्छी बात है, ध्यान से समझो, राष्ट्रीयता को नहीं बदल सकते हम। अब भाई मेरा जन्म भारत में हो गया, मेरी राष्ट्रीयता तो भारतीय है, मैं नागरिकता बदल सकता हूँ, हो सकता है मैं कल को अमेरिका का नागरिक बन जाऊँ, या मुझे किसी दूसरे देश की नागरिकता मिल जाए तो मैं वहाँ का नागरिक हो सकता हूँ, लेकिन क्या मेरी राष्ट्रीयता बदल जाएगी? नहीं, मैं रहूँगा हमेशा भारतीय मूल का, यानी मेरे नाम के साथ लगेगा भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक, या भारतीय मूल के जापानी नागरिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, नागरिकता को बदला जा सकता है। अब जैसे देखो कि एक रूल ये भी है हमारे यहाँ पे कि जो भारत का नागरिक है, कल को अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले जाता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि मतलब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता बदल सकता है किसी दूसरे देश में जाके, अगर उसे वहाँ से नागरिकता मिल सकती है तो वो वहाँ की नागरिकता भी ले सकता है। अदनान सामी है, जैसे थे तो वो पाकिस्तान के, भारत से नागरिकता मिली, उन्होंने ले ली भारत की नागरिकता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान देना है इन सारी चीज़ों को, समझना है थोड़ा थोड़ा। फिर क्या है, एक व्यक्ति के पास राष्ट्रीयता केवल एक देश की हो सकती है। हाँ, ये याद रखना, राष्ट्रीयता जो होती है हमारे पास वो एक ही देश की होगी हमेशा। भारत में जन्म हुआ तो भारतीय, तो उसकी राष्ट्रीयता भारतीय ही तो रहेगी, नागरिकता बदल जाएगी, उसकी नागरिकता बदल सकती है बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रीयता कभी नहीं बदल सकती, वो हमेशा एक देश की रहेगी। लेकिन नागरिकता एक से अधिक हो सकती है। अब वही वाला उदाहरण, जो पाकिस्तानी सिंगर थे जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, वो नागरिक तो पाकिस्तान के भी हैं, नागरिकता उनकी पाकिस्तान की भी है, और मिले उनको भारतीय भी गई है, यानी वो एक से ज़्यादा देशों के नागरिकता उनको मिल जाए तो वो एक से ज़्यादा देशों के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे जैकलिन फर्नांडिस, एक एक्ट्रेस है, हीरोइन है, जैकलिन फर्नांडिस है तो वो श्रीलंका की, यानी कि क्या हो जाएगी, श्रीलंकाई मूल की, श्रीलंकाई नागरिकता की। ठीक है, लेकिन वो भारत में भी आती हैं, रहती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो रहा है मेरे दिमाग से। हाँ, कोई खिलाड़ी था, मुझे उस खिलाड़ी का नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है, दिमाग से मिस हो रहा है, स्लिप हो रहा है बिल्कुल, उसका नाम, उसे इतना मुझे याद है, स्कॉटलैंड की और एक और किसी देश की, जर्मनी, उसे दो देशों की नागरिकता मिली हुई थी। ठीक है, तो ऐसे होता है कि कोई एक से ज़्यादा देश का नागरिक हो सकता है, लेकिन उसका जो मूल जो होता है वो हमेशा एक ही रहेगा कि वो इस देश का है। अब इसके बाद है, राष्ट्रीयता को छीना नहीं जा सकता, कि किसी से किसी की राष्ट्रीयता नहीं छीन सकते भाई बिल्कुल भी, लेकिन उससे नागरिकता जरूर छीन सकते हैं। ठीक है, किसी ने कोई गलत काम कर दिया या कोई क्राइम वगैरह करके किस नागरिकता गलत इस्तेमाल कर रहा है ऐसे, तो उससे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे अब हमने भाई फलाने किसी को नागरिकता दे दी अपने देश की, बाद में हमें पता लगा कि भाई ये तो गलत काम कर दिया, इसने कुछ गलत किया है, या इसके योग्य नहीं है, या कल को कुछ गलत करता है, तो हम अपने उससे नागरिकता छीन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है, राष्ट्रीयता को छीना नहीं जा सकता, नागरिकता को छीना जा सकता है। भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारे यहाँ पे जो नागरिकता देने का अधिकार है वो केवल केंद्र की सरकार को है, राज्य की सरकार नागरिकता नहीं देगी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे कि देखो, हम पूरे देश में कहीं पे भी रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, तो हम जो हमारा जो निवास है वो बदल सकता है, लेकिन हमारी नागरिकता हमेशा एक रहेगी, इंडियन। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं इंडियन हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ तो भी मैं इंडियन हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ तो भी इंडियन हूँ, पर
पंजाब में रहता हूँ तो भी इंडियन हूँ, केरल में रहता हूँ तो भी इंडियन हूँ, समझ गए ना। मैं अपने पूरे देश के 29 के 29 किसी भी राज्य का निवासी हूँ, लेकिन मैं रहूँगा तो इंडियन, यानी हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता, सिंगल नागरिकता, मैं इंडियन रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं बिहार का हूँ तो मैं बिहारी हो जाऊँगा, मैं यूपी का हूँ तो मैं यूपी का हो जाऊँगा, मैं पंजाब का हूँ तो मैं पंजाबी हो जाऊँगा, मैं गुजरात का हूँ मैं गुजराती हो जाऊँगा। नागरिकता में कभी गुजराती पंजाबी नहीं चलेगा, नागरिकता में हमेशा ही इंडियन चलेगा। निवास हो सकता है मेरा कि मैं भाई मैं पंजाब का हूँ, मैं बोल दूंगा मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, वो मेरा निवास है, मेरा डोमिसाइल है, वो मेरी नागरिकता नहीं है, मेरी नागरिकता तो भारतीय है। बस मैं रह सकता हूँ, मैं मणिपुर में रहता हूँ तो मैं मणिपुरी हूँ, मैं केरल में रहता हूँ तो मैं केरल का हो जाऊँगा, दक्षिण भारत में रहता हूँ तो दक्षिणी भारत का हो गया, लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो दक्षिण भारत में रहने के बाद भी भारतीय रहेगी। तो हमारे देश में ये सिस्टम है, पूरे देश में कहीं पर भी जाओ एक ही नागरिकता मिलेगी, भारतीय, इंडियन, इंडियन। आप कभी भी कोई फॉर्म भरोगे, जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, या कोई भी फॉर्म भरते हो आप तो आपको वहाँ पर नेशनलिटी जो होती है वो जरूर मिलेगी, और आपको भारतीय ही बनना पड़ता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता मिलती है हमें। दोहरी नागरिकता में क्या है दोस्तों, कि हमें ना एक से ज़्यादा नागरिकता है, यानी वो पूरे अमेरिका का तो नागरिक है ही, लेकिन अमेरिका में वो किस जगह पर रहता है, मान लो कोई अमेरिका में कैलिफोर्निया में रह रहा है, या अमेरिका में सिलिकन वैली में रह रहा है, तो उसको वहाँ की भी नागरिकता मिल जाएगी, सिलिकन वैली की, या किसी अलग राज्य में रह रहा है, वॉशिंगटन वगैरह जहाँ पे भी रहता है, और एक अमेरिका की भी मिल जाएगी, यानी दोहरी नागरिकता मिलती है अमेरिका जैसे देश में। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में एकल नागरिकता है। इससे पता है क्या होता है, एकल नागरिकता से एकता बनती है, एकता यानी कि मेल मिलाप बढ़ेगा। जैसे कि देखो, हम अपने आप को ये नहीं देखेंगे पंजाबी, बिहारी, गुजराती, मद्रासी, ये वो, हम सब एक ही नज़र से देखेंगे, हम भारतीय हैं, तो कहीं ना कहीं एकता की भावना पनप रही है ना। तो ये है ना हमारी राष्ट्रीयता और नागरिकता में कुछ डिफरेंस, अंतर। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये समझ में अगर आया होगा ना दोस्तों, थोड़ी सी भी दिक्कत रह रही होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को अगेन देख सकते हैं रिपीट करके, तो आपको थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, नागरिकता। हालांकि चैप्टर शुरू होता है हमारा यहाँ से, लेकिन मैंने आपको वहाँ समझा दिया ना, तो आपको फ़ायदा पता है कैसे होगा, आपका एक टॉपिक राष्ट्रीयता भी है शायद आपकी बुक में, देखना एक चैप्टर है राष्ट्रीयता, जब हम राष्ट्रीयता चैप्टर पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद है नहीं, राष्ट्रीयता नहीं, राष्ट्रवाद चैप्टर है आपकी बुक में, तो देखते हैं जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें रिपीटेड मिलेंगी, तो हमें आसानी हो जाएगी, उस चैप्टर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आते हैं हम नागरिकता की, नागरिकता क्या है। नागरिकता देखो परिभाषा दी है नागरिकता की, नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है, यानी नागरिकता जो होता है वो किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण, पूरी तरीके से समान सदस्यता, यानी किसी राज्य में रहने वाले जो राज्य के नागरिक हैं, जिनको नागरिकता प्रदान है, नागरिकता मिली हुई है, उनको पूर्ण, पूरे मिलेंगे अधिकार और समान सदस्यता, एक जैसी सदस्यता मिलेगी। ठीक है, राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं, यानी कि इन इन राष्ट्रों ने इनको अपने सदस्यों की एक सामूहिक राजनीतिक पहचान तो दी है, जैसे कि मैं भारतीय हूँ, मेरा भाई है वो भारतीय है, मेरे जो पड़ोसी हैं वो भारतीय है, हम सभी भारतीय, इंडियन हैं, लेकिन इस पहचान के साथ हमें कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। आप सुनते हो कि चाइनीज़, जापानीज़, अमेरिकन, फ्रांसीसी, फ्रेंच जिसे कहते हैं, रूसी, तो ये सभी क्या है, ये अपने अपने देश की अपनी नागरिकता बताते हैं, लेकिन सभी देशों के नागरिकों को कुछ अधिकार मिलते हैं एक नागरिक के रूप में। तो कुछ अधिकार हैं, जैसे कि देखो क्या अधिकार है, तो इन अधिकारों के बारे में हम जानेंगे, उन अधिकार को पहले हम यहाँ देख लेते हैं। TH जो मार्शल है, इन्होंने कहा था नागरिकता किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता को कहा जाता है, ये इन्होंने परिभाषा दी थी। इन्होंने तीन तरह का अधिकार बता दिए, जैसे नागरिक अधिकार, जैसे हमारी जीवन जीने का अधिकार, हमको, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी हमारे नागरिक अधिकार हैं और सभी को होंगे। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार में जैसे हमको वोट देने का अधिकार होता है, हम चाहें तो चुनाव भी लड़ सकते हैं लोकतंत्र में, हम चाहें तो शासन में भागीदारी कर सकते हैं, ये सारे जो अधिकार होते हैं हमारे राजनीतिक अधिकार आ जाते हैं। कुछ हमारे सामाजिक अधिकार हैं, जैसे हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं भाई हमारा देश ये है, हमारे देश में करप्शन है, हमारा देश वो है, हमारे देश में, हम अपने देश की बुराइयां तो बहुत कर देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है तुमने,
कि भाई देश इतना खराब है, देश इतना गंदा है। क्या तुमने भी कभी कुछ देश के लिए अच्छा किया है? कभी खुद के बारे में ये सोचना है, एक बार अपने आप से जवाब मांगना कि आपने अपने देश को क्या दिया है। देश ने तुम्हें कुछ दिया ना दिया वो तो बात की बात है, लेकिन तुमने देश को क्या दिया? क्या तुमने कुछ अच्छा किया है? तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये हमें राष्ट्रीय एकता और ये सभी हमारे सामाजिक अधिकार के तहत आते हैं। राष्ट्रीय सेवा, देश की सेवा करना, देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, ये सभी हमारे सामाजिक अधिकार में आ जाते हैं कि हमारे अधिकार है समाज के प्रति, देश के प्रति। यहीं पे मैं आप तीन चीज़ों को देखो, यहाँ पे ये छोटी चीज़ें हैं, ये भी समझा देता हूँ नागरिकता के साथ। नागरिक देखो, हम किसी भी देश में देखते हैं तो हमें दो तरीके के व्यक्ति दिखेंगे। एक तो वहाँ के नागरिक होंगे, जैसे हम सब भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमें नागरिकता मिली है, हमें राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें, हम हो जाएगा नागरिक। एक दूसरी तरीके के व्यक्ति भी दिखेंगे हमें देश में, जो होंगे विदेशी। ठीक है, आप कभी कहीं घूमने जाओगे, लाल किले वगैरह या कहीं पे भी घूमने जाते हो, किसी मंदिर वगैरह में, तो हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ फॉरनर, अंग्रेज या किसी दूसरे देश के व्यक्ति दिख जाते हैं, वो विदेशी होते हैं। तो अब एक ये बात बताओ कि जो अधिकार तुम्हें हैं, क्या वही अधिकार उनको हमारे देश में हैं? और इसका जवाब आप कमेंट में देना। जो अधिकार हमको है, क्या वही अधिकार उन विदेशियों को भी हमारे देश में है? अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, बस इतना लिखना है, यस और नो में। ठीक है, तो ये विदेशी होते हैं। और एक होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी वे व्यक्ति होते हैं जो मजबूर होकर कहीं किसी जगह पे रहने को मजबूर होते हैं। जैसे मान लो कि इसराइल, इसराइल एक देश था यहूदियों वगैरह का, यहूदी पता नहीं क्या क्या कहा जाता है इन्हें, इनका देश था। यहाँ पे फलस्तीनी वलस्तीनी वाला सीन था, कुछ रहते थे वो लोग। तो क्या हुआ, जब इसराइल एक देश बना तो वहाँ से फलस्तीनियों के बीच में उन्हें भगना पड़ा। अब वो मजबूरन कहीं अलग अलग जगह पे भटक रहे हैं, इधर से उधर रह रहे हैं, शरणार्थी। तो ठीक है, मजबूरन जब हमें कहीं रहना पड़े तो वो शरणार्थी हो जाते हैं अपना देश छोड़कर। जैसे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इधर से लाखों की संख्या में हिंदू इधर उधर भटक रहे थे और लाखों की संख्या में मुसलमान इधर उधर भटक रहे थे, और मजबूरन उनको शरणार्थी शिविर में, कैंप में रहना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें आती है शरणार्थी में। शरणार्थी क्या होते हैं? शरणार्थी को ना कोई भी देश अपनी सदस्यता देने से को तैयार नहीं होता, ना तो वो इधर के ना वो उधर के, ऐसी हालत हो जाती है उनकी। तो ये जो शरणार्थी रिफ्यूजी होते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि ये किसी भी देश के नागरिक नहीं होते, क्योंकि इनको नागरिकता कोई देता ही नहीं है, नागरिकता देने को कोई तैयार नहीं होता। नागरिकता देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा है, नागरिकता अगर दे दी जाएगी तो उसको कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे, और जब अधिकार देंगे, जब नागरिक हो जाएंगे, तो अधिकार के लिए बात चलेगी। तो ये सारी चीज़ें, अब अधिकार, अधिकार हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन अधिकार है क्या और अधिकार हमें कैसे मिले हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये भी समझ लो कि नागरिकता केवल अधिकारों को धारण करना नहीं, ये नहीं कि नागरिकता के नाम पे हम अधिकार ले लें, बल्कि निष्ठा और कर्तव्यों का पालन भी है, कि हमें निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं हमारे देश में करप्शन है, हमारा देश खराब है, इंडिया ये, इंडिया वो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये बातें हम कर देना बहुत आसान है, लेकिन ये भी सोचो कि हमने क्या करा, हमारी भी तो निष्ठा और कर्तव्य है अपने इंडिया के प्रति। क्या हम भी कुछ अच्छा करते हैं कि जिससे देश को कुछ फ़ायदा हो, देश के लोगों को कुछ फ़ायदा हो? अगर हम करते हैं तो ये इसका मतलब होगा कि हम सही में, हम देश के अच्छे नागरिक हैं। कहते हैं ना, एक अच्छे नागरिक बनो। अगर हम सिर्फ देश की कमियां निकालने में रहते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, तो हम देश के लिए अच्छे नागरिक भी नहीं बन सकते। तो हमें कुछ कर्तव्य और निष्ठाओं का भी पालन करना चाहिए। इसके बाद है नागरिक अधिकारों की। जो आज हम जिन अधिकारों की बातें करते हैं या जो अधिकार हम प्रयोग करते हैं, ये हमें ऐसे ही नहीं मिल गए, ये हमको कठिन संघर्ष के बाद मिले, बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष के बाद मिले। जैसे कि आपको पता है फ्रांस की क्रांति, याद करो 1789 जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था। क्रांति के बाद कुछ अधिकार मिले थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें सामने आई थी। भारत की आज़ादी ले लो, चलो फ्रांस को छोड़ो, अपने देश की बात करते हैं ना। हमारा देश क्या था, 200 सालों तक, लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। हमने कितनी यातनाएं झेली, हमारे हमने तो नहीं, हमारा जन्म तो भाई आज़ाद भारत में हुआ है, जिनका जन्म उस गुलाम भारत में रहा होगा, उन्होंने कितनी यातनाएं झेली होंगी, कितनी समस्याओं को झेला होगा। उनको क्या अधिकार थे? सभी उनको अधिकार नहीं थे। अंग्रेज जो थे वो इंडियंस के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर थे, उनके साथ बहुत गलत और दुर्व्यवहार करते थे। और ठीक है, फिर
फिर हमने लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, गोलियां खाई, तब जाके कहीं आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद फिर हमें कुछ अधिकार प्राप्त हुए। तो समझ गए ना कि ये जो अधिकार आज हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये अधिकार कभी हमें नहीं होते थे, और कभी जब हम गुलाम थे। तो ये अधिकार हमने कैसे प्राप्त किए? ये अधिकार हमने संघर्ष, लड़ाई झगड़ा करके, क्रांति बलिदान देकर तब जाके प्राप्त करें। ऐसे श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। तो यहाँ तक भाई हमारा था पार्ट 1, ठीक है। और पार्ट 1 आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता दें, क्या आपको समझ में आया अच्छे से जितना मैंने समझाया, क्या आपको उतना अच्छे से समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर लिख के बताना कि समझ में अच्छे से आया है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको लेके आऊँगा, ठीक है। जल्दी ही कोशिश करूँगा कि मैं आपको कल, अगर मुझे टाइम लगता तो मैं कल आपको सेकंड पार्ट ला के दे देता हूँ, ठीक है। और 5 जनवरी से पहले का टारगेट रखा है मैंने, कोशिश करूँगा कि मैं 5 जनवरी से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस करवा ही दूँ, ठीक है। तो कमेंट कर